हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज है स्पेशल हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो क्या है स्पेशल, जैसे आप लोगों टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि स्पेशल आज है हमारे घर पे पूजा। और किस चीज़ का पूजा है दोस्तों, ब्लॉग पे रहिए, पता चल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल कुछ काम वगैरह है वो कर लेते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं। ये है दोस्तों हमारा मंदिर, और अभी इस जगह पे होने वाली है पूजा आज। और ये है हमारी घर का छोटा सा एक मंदिर, जो भी आज तक आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, बट आज दिखा रहे हैं। और आज बहुत ही स्पेशल है। फिलहाल अभी बेलपत्र कम लाया था बाबू लोग, जैसे मैं तो दुकान चला गया था, दुकान से अभी आया तो कम लाए हुए हैं। तभी मैं जा रहा हूँ बेलपत्र लाने के लिए, बेलपत्र लेके आता हूँ, उसके बाद आगे का। बेलपत्र लाने के लिए दोस्तों हमको जाना होगा आगे, हमारे घर से थोड़ा सा दूर पे है, वहीं जाना होगा। अभी फिलहाल चलिए चलते हैं गाड़ी से जल्दी से, और अभी चलते हैं बेल। सामने है दोस्तों हमारा बेल का पेड़, और यहीं से अभी हम लोग को बेलपत्र तोड़ना है। अभी मैं फिलहाल पहुँच गया हूँ, और इस जगह से अभी पेड़ को तोड़ लेते हैं, पेड़ से मतलब पत्ता तोड़ लेते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी बेलपत्र तोड़नी है, और आप लोग कमेंट करके पूछेंगे भाई साहब इतना बेलपत्र क्यों तोड़े हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इतना बेलपत्र इसलिए तोड़े क्योंकि इसमें बहुत सारा पत्ते में है ना, छोटा छोटा छेद है, जिसके कारण से वो पूजा पे काम नहीं देता। तो इसमें मात्र हम लोगों को जो इसमें तीन पत्ती जो होती है ना, जो अच्छे से पूरा फ्रेश दिखती है, वही पत्ता हम लोग को पूजा में काम आता है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा बेलपत्र को तोड़ लिया हूँ। जितना पत्ता तोड़ने के बाद हमारा बस इतना सा फ्रेश पत्ता निकला जो पूजा करने का लायक। पिंडा का मंदिर, और इसी को हम लोग कुल देवता भी बोलते हैं। और इस जगह पे पूजा वगैरह करते हैं। मम्मी भी धूप दे रही है, मम्मी रस्म लेके आ रही है मंदिर में ले जाके धूप देने के लिए। जम्बुदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतरगता पुण्यक्षेत्राणां मासानां मासोत्तमे महामंगलमासे माघमासे शुक्लपक्षे शुक्लायां चौथम्यां तिथौ उत्तरां जथानां अस्मद कायिकः बायिकः मायिकः नानादोष सकलो विघ्न सकलो परिवारस्य सकलो कुटुम्बस्य शांति उत्पन्न हो। गिरियंतांतर्गते वाराणसी क्षेत्रे गिरणी प्रखंडस्य अनुपरिमाणस्य कर्माटाग्रामस्य यथा गोत्रोचारा प्रतिबद्धनानि माचला माचलः लग्नाभ्यां नमः मातृपितृचरितं लभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमराश्चैवा जमुनाश्चैवा गोदावरी च सरस्वती नद हरि ओं गंगा शिवा यमुना शिवा गोदावरी चा सरस्वती नरवरी सिंधु कावेरी जलम शिरो भवभयहरणं श्रीविष्णवे नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजाय मङ्गलं पुण्डिताक्षामङ्गलाय स्तनो हरि श्रीविष्णवे नमः सङ्गं चक्रं सुतीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सहस्रवक्षस्थले गोस्तुभ्यं नमामि विष्णु श्रीविष्णवे नमो नमः चारय श्रीविष्णवे नमो नमः जगज्जिताय। पांच देव मिली रक्षा करे
ब्रह्मा विष्णु महेश नारदं संप्रष्टो भगवान् कमलापतिं सुरक्षां रथेतुक्षकं हरि ओम अद्यार विष्णु 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 श्री भागवत महापुरुष विष्णु प्रवत मन से हरिओं कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम उदगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे वरम भवानी सहितं नमामि जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात्रक हरण ओम जय लक्ष्मी रमण रत्न जयित्र लक्ष्मी रमण द्रुबल बीलकारो जिन पर कृपा करियो स्वामी जिन पर कृपा करियो ये देखिए दोस्तों पूजा खत्म हुआ नहीं कि हमारे गाय और बैल पूरा एकदम तंग करके रखा हुआ है एकदम पूरा एकदम तहस नहस कर दिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ से तो पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया लेकिन आज है 25 तारीख यानी कि सरस्वती माँ का आगमन करना है जो कि सरस्वती माँ का प्रतिमा लाने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। जैसे मेरा दोस्त तो पहुँच गया है मैं पीछे से जा रहा हूँ तो कॉल किया तो अभी मैं जा रहा हूँ सरस्वती माँ का प्रतिमा लाने के लिए। सरस्वती माँ का प्रतिमा लेने अभी हम लोग पहुंच गए हैं सरस्वती माँ का प्रतिमा जिस जगह पे हम लोग दिए थे और अभी देखिए सारा गाड़ी लगा हुआ लाइन पे सब अपने अपने पूजा कराने के लिए लेके जाने दे बच्चा लोग। हम लोग आ गए हैं सरस्वती माँ का प्रतिमा लेने की गाड़ी लगी हुई है अभी सभी दोस्त लोग आए हुए हैं एक बार नारा लगा दे जय सरस्वती माता। तो मूर्ति हमारा कंप्लीट लोड हो गया दोस्तों और अब जाके सब लोग बैठेगा ऑटो पे और उसके बाद अभी हम लोग साइड से तभी जा रहे हैं जल्दी से आगे वहाँ जाने के बाद तैयारी करना है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर घर बोले या फिर सरस्वती माँ का जिस जगह पे स्थान है उस जगह पे जा रहे आए थे अपाची से जा रहे हैं स्प्लेंडर से। तो हम लोग पहुँच गए हैं जिस जगह पे हमारी सरस्वती माँ का प्रतिमा रखी जाएगी। अपना घर आ गए और इधर अभी सरस्वती माँ का प्रतिमा रखने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था और मुझे अपने घर पे कुछ ज़्यादा काम था तभी घर आ रहा और घर आने के बाद अभी देखिए मेरा एक बंदरा जो है कैसे नाच ये देखो बंदर नाच रहा है मेरा पूरा गिर गिर के। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं दोस्तों कि कल है सरस्वती पूजा और आप सभी को एडवांस में सरस्वती पूजा दोस्तों जैसे कि ब्लॉग तो आज ही देख रहे होंगे तो सरस्वती पूजा ब्लॉग आपको कल मिल जाएगा। और एक चीज़ हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों क्योंकि 26 तारीख आज का डेट में देख ही रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों कैसा मेहंदी पूरा लगाया वाओ कौन लगाया वर्षा कौन है वर्षा ये बड़े दादा को पुत्री है ना। अच्छा अगर दोस्तों और जो भी कोई महिला देख रही होगी इस वीडियो को अगर उसको मेहंदी पसंद होगा बोलिएगा लगवा देंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या सही है ना। आओ तो आई होप दोस्तों आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी दोस्तों एक लाइक करें मिलते हैं अगले दिन अगले एनर्जी के साथ तब तक के लिए बाय।